What's up, sister? Hi, guys, I'm i not here, guys, aaj, uh, but I've to a podcast. Karne hu. Hopefully, you'll enjoy it with me. But before we get into the podcast, this podcast is only available on Spotify. Go listen to it on Spotify. And yeah, guys, I'm really nervous. So just be a little kind. टूवर्ड्स मी टुडे हम दोनों यूजली साथ में पॉडकास्ट करते हैं और मैं अपना एक अलग पॉडकास्ट भी मेरा था अनकट करते का आई लाइक मोस्ट ऑफ यू नो बट मेरे को इतनी आदत थी अकेले बैठ के बात करने के लिए वो बिल्कुल चली गई है एंड आई डोंट नो ये पॉडकास्ट किस डिरेक्शन में जाने वाला है बट होपुली यू गाइज विल हैव फन हमने ना इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन स्टैप डाला था व्हाट्सअप सिस्टर के सो so, उस पर जो क्वेश्चन आए हैं मैंने देखे नहीं है ऐसे रफ ऊपर से बस देखा ही था मैंने बंद कर दिया मैंने बोला यार जेनवनली जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं उस टाइम उसका आंसर दूंगी सो

एंड मेरे बहुत 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 जोर की लगी थी एंड आई अकॉर्ड मे टेल यू द पेन एंड स्पेशली विंटर सीजन में ना ज़्यादा आपको पेन भी ज़्यादा होता है सो so काफ़ी मैंने ट्राई करा उसको सब लगा लिया कुछ भी ठीक नहीं हुआ सब ने रेमिडीज़ दी आप ये लगाओ वो लगाओ आप हॉट कोल्ड सारी चीज़ें ट्राई कर ली गाइज एंड उसके बाद गाइस कट टू लाइक टू डेज आफ्टर मेरे को स्नैपचैट पर सब बोल रहे हैं आप सि टी स्कैन करा लो आप एम आर आई करा लो ये किसी और को भी हुआ था इड एंड एंड वेल फॉर देम एंड आई वो दो दिन तक बिल्कुल ऐसे बैठी थी मम्मापुर बोलते डर क्यों रही है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा एंड फिर मैं डॉक्टर के पास गई एंड मेरे जो डॉक्टर जैसे सबके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं ना सो so डैड वहाँ लेके गए एंड uh, मैं बैठी वहाँ पर तो जब बोलते क्या हो गया तुझे क्या हालत बना ली है एंड ईज़ वेरी सैविज ठीक है तो मुझे बैठती है वो बहुत कम्फर्टेबल भी है मैंने बोला मुझे डर लग रहा है सिटी स्कैन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए क्या करूँ क्योंकि सिटी स्कैन में भी किसी ने लिखा था सि टी स्कैन कराने से मतलब ऑब्वियसली आई नो सब रैंडमली सब चीज़ें बोल रहे थे कि ये हो जाता है वो हो जाता है मेरे डॉक्टर बोलते हैं जब मैं बैठी आराम से रुक जा काम डाउन कहते हैं देख जो होना होगा ना वो तो अब तक तो हो चुका होगा अगर कुछ बेकार और ख़राब होना होगा वो तो तेरी बॉडी अब हो चुका अब सिटी स्कैन का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं फोर्थ फिफ्थ डे पे गई थी मेरे लगने के बाद सो आई लाइक ये बिल्कुल भी रीअश्योरिंग नहीं था एंड देन उन्होंने मेरे को प्रॉपर बॉडी चेकअप करांग गॉड कुछ नहीं निकला आई एम जस्ट ग्लैड और ये हील हो रहा है अभी भी मेरे अंडर आई पे लगी हुई है गाइज उन्होंने जो मेरे को एक्सप्लेन करा मैंने उनको बताया कि मेरे यहाँ लगी थी मेरे फोर हेड के पास लगी थी उन्होंने मुझे ये एक्सप्लेन करा है कि जब लगी होगी ना तो कोई नर्व डैमेज हुई है या वो फट गई है आई डोंट नो वो बर्स्ट होके वो सारा जो ब्लड था ना वो यहाँ पर आके फ्रीज हो गया मेरी अंडर आई पे आके फ्रीज हो गया तो मेरी आई अगर आप पहले देखते थोड़े दिन पहले अगर किसी ने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे देखा है ब्लू पर्पल ऑरेंज सारे कलर्स थे एंड सब लोग इतना मजाक उड़ा रहे थे आई बोल रहे थे ये एक्चुअली ऐसा लग रहा है स्मोकी आई करा हुआ है दूसरी साइड भी कर लो मतलब आई नो एवरी वन ट्राइंग टू लाइक मेक फन ऑफ इट इन अ वे कि मैं थोड़ा काम फील करूँ अच्छा कुछ नहीं होता ठीक हो जाएगा बट आज इस आई इंजरी को डेज हो गए हैं, अभी तो मैंने और सब चीजों से ट्राई कर रखा है वो हटाने का <laughs> तो होपफुली आप नहीं नोटिस करोगे और मैं इतना कुछ बताने के बाद बोल रही हूँ आप नहीं नोटिस करोगे बट आई एम वेरिंग ग्लास गाइज क्योंकि आज मैं हूँ ज्ञानी नानी दैट्स माई न्यू पॉडकास्ट नेम आई एम पिक अच्चन बट बिफोर दैट गाइज हाउ आर यू वट आर यू डूइंग आई यू क्लिनिंग योर रूम बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सब पॉडकास्ट उस टाइम ही सुनते हैं चला के साइड पर रख देते हैं और इफ़ यू जस्ट इन योर बेड एंड इफ यूर अलोन आई लव यू गर्ल और गायटर ये इंजरी पॉडकास्ट बनता जा रहा है बट आई ब्रोक माई फुट मैं कैटलवेल से जिम में ये हुआ है एंड मेरे को उस टाइम लगी थी तो मैं ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग समझती हूँ फॉर सम रीजन आई डों ना कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता अरे तीस तो लगी है एंड फिर मैं ट्रेडमिल पे चल रही थी मुझे उस टाइम ट्रेडमिल नहीं करना चाहिए था मैं करती रही करती वो पेन बढ़ता गया बढ़ता गया एंड मेरा पूरा लाइक like, फुट पूरा स्वेल हो गया था अभी मैंने उसको कवर कर रखा है सो होपफुली होप बी ओके इन अ डे और टू एंड मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे आपको नज़र लग चुकी है आप उतरवा लो मैं बिलीव नहीं करती हूँ बट इतने सारे इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है ओह इससे याद आया गाइज कल ना इफ़ यू आर इंटू एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग और इफ जस्ट फॉर फन इफ़ यू यून गेट इन टू इट इज अ गर्ल ऑन यूट्यूब एंड मैंने सब को लिटरली मेरे सारे फ्रेंड्स को वो एक्चुअली चैनल खोल खोल के दिए वो एक्चुअली आप खुद देखते हैं अपना खोल के द नेम इज स्टार गर्ल प्रैक्टिकल विच अनिता नाम है उनका एंड शी इज सो फ्रिकिंग ऑसम एंड वो पॉडकास्ट पे भी आने वाले थे हमारे बट समहा डेट्स मैच नहीं हुए हमारी आने नहीं वाले मतलब नॉट रॉन्ग हम वर्चुअली करने वाले थे पॉडकास्ट बट उस टाइम पे हम बहुत बिजी थे नेक्स्ट मंथ वो बहुत बिजी था तो हुआ नहीं बट होपफुली आई एम मैनिफेस्टिंग हो जाए कल रात को सो so मैं वॉक कर रही थी वॉक करते करते ना मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता लाइक अ पॉडकास्ट और सॉन्ग्स और वीडियो सो so मैंने वो वीडियो खोली एंड उसमें ना रैंडम नंबर जनरेटर से मैंने कार्ड पिक करा क्योंकि मुझे मैं इन ट्यूशन पर भी जाती हूँ उसमें क्या होता है पाइल्स होती है कार्ड की एंड यू सेलेक्ट एंड मैंने जो पाइल सेलेक्ट करी उसमें आ रहा था कि वेरी फ्री की उसमें आ रहा था कि सम इज सेंडिंग बैड इंटेंशन टू यू एंड कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है या पता नहीं क्या ऐसा आई पर्सनली मैं देखती हूँ बट मैं बिलीव नहीं करती हूँ आई डोंट नो मुझे ऐसा लग रहा था कि इज यूनिवर्स ट्राइंग टू सेंड मी अ मैसेज हु इज डूइंग इट अगेंस्ट मी हेलो बैक ऑफ बैक ऑफ एंड उस उसमें कुछ ऐसे भी लिखा होता दैट योर योर ग्रीफ पीरियड विल बी ओवर आफ्टर थर्टी डेज यू बिन गोइंग थ्रू अलॉट एंड और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली थी दैट अ क्रिएटिव पर्सन एंड यू नीडेड दिस विच आई वॉज हैप्पी अबाउट सो उस पर पढ़ने के बाद और सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ लाइक इफ सेंडिंग बैड वाइज इफ समन जेलस ऑफ यू और इफ़ समन डजेंट वॉन्ट गुड फॉर यू देन वट कैन यू डू लाइक इट्स नॉट इन योर हैंड्स एंड मुझे पर्सनली ये लगता है मेरी नज़र का एक मैं हमेशा मम्मी से ही बात करती थी मम्मी बोलती थी नज़र लग जाती ऐसे नहीं करता तो मैं हमेशा मम्मी को लगती हूँ मम्मा नज़र लगनी होती ना तो अंबानी और ये सब को लग जाती है क्योंकि उनका तो लाइक दी एक्टर्स यू यूसी सेलेब्रिटीज यूर लाइफ इज सो पब्लिक एंड ऑब्वियसली सब जो लोग इतने पब्लिक आए हैं उनको ज्यादा लगती ना मेरे को ऐसा लगता था कि

इतना वाइड टॉपिक है ना और उसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी होती है इट सच अ ग्रेट थिंग टू हैव लाइक गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ हाउ टू फ्रेंडशिप्स आई थिंक जैसे आपको मिल रहा है आप उसको रेसिप्रोकेट करो अगर केयर ऑफ यू मतलब आप जिस भी लव लैंग्वेज में किसी और को प्यार कर सकते हो मे बी किसी और की लव लैंग्वेज है एफर्मेशन वर्ड्स बोलना आपको सपोर्ट करना और मे बी आपकी लव लैंग्वेज हो सकती है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना या कुछ और करना सो वट एवर लैंग्वेज आप उस वे में उनको सपोर्ट करो आई पर्सनली फील अगर मैं अपने

फेजेस के हिसाब से ना फ्रेंडशिप्स भी चेंज होती रहती हैं एंड आई थिंक ये चीज आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना उतनी जल्दी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे और आपको बुरा भी कम लगेगा जब एक्चुअली चेंज होगी बिकॉज जब आप स्कूल से कॉलेज में भी जाते हो तब भी कितने लोगों का कनेक्शन कम हो जाता है टूट जाता है आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज टू स्टिल रिमेन फ्रेंड्स एंड मतलब आप उसको तब भी मैनेज कर सकते हो देन यू आर रियली रियली गुड फ्रेंड्स एंड मेक श्योर दैट यू टेक आउट टाइम अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो मेक श्योर sure आप उनसे वीक में मंथ में एक डेट ऐसी फ्रेंडशिप डेट प्लान करो जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ हो नो फोन्स नथिंग यो जस्ट एक्चुअली दैर लिसनिंग टू दैम और डूइंग एन एक्टिविटी टुगेदर विच इज़ ऑल्सो रियली नाइस थिंग आप बॉन्ड कर रहे हो साथ में जब आप और बड़े हो जाते हो वो मैरिज वाले फेज में आ जाते हो दैन एवरी वन गेट्स बिजी इन दर लाइफ ऑल्सो एंड सबकी पराइटीज भी चेंज हो

You sort of like having fun and full out and not thinking about anything. So there are different types of friends, and I think that's healthy also. Like if you have three, four people very close to you and you can count on them, I think that's amazing. More than 15-20 friends 3 teen people So, how to maintain cancer just try to reciprocate the feelings and if you someone call messages message. Make sure that you also do that. And make sure you check up on them. Like, oh I miss you, I was thinking about you. Let me call you when I'm free. or

और नॉट हैविंग एनी आइडियाज़ अबाउट योर फ्यूचर आई थिंक जर्नलिंग रियली हेल्प मी अभी जैसे ना 2023 में आ रहे थे तो आप अपनी लाइफ एवेल्यूएट करते हो ऐसा होता है ना बर्थडेज़ पे और न्यू ईयर पे आप अपनी लाइफ ऐसे सोचते हो यारेयर इज दिस हेडिंग वट आर माई डूइंग मुझे किस डेक्शन में जाना है सो आई वॉज ऑल लॉस टू एंड आई थिंक जर्नलिंग ने मुझे बहुत बहुत हेल्प करा आई एक्चुअली रोड डाउन अ लॉर्ड ऑफ थिंग एंड आई बिलीव इन फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स सो मैं यूट्यूब वीडियो जाके देखती हूँ और बहुत सारे मैंटॉज़ वगैरह जिनको मैं लुकअप टू करती हूँ उनकी लाइफ पैटर्न देखती हूँ आई थिंक थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन विच इज रिलेशनशिप्स हेल्थ एंड करियर टेक आउट अ पेपर एंड राइट दीज थ्री थिंग्स एंड उस पर मार्क करके ना आप उस चीज़ में अपने गोल्स लिखो थ्री 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 गोल्स लिखो रिलेशनशिप्स के गोल लिखो करियर uh, के गोल लिखो एंड हेल्थ uh, के गोल लिखो एंड मेक श्योर आप उस पर एक छोटा छोटा स्टेप लो एवरी अदर वीक एंड अगर इफ़ यू डोंट नो वे यू वॉन्ट अ गो इन फ्यूचर आई थिंक आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो बिकॉज इफ यू आर यंग यू हैव सो मच टाइम आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर यंग एंड यू आर लुकिंग फॉर फ्यूचर आइडियाज़ और करियर ऑप्शन आप डिफरेंट डिफरेंट जगह इंटर्नशिप्स कर सकते हो बिकॉज यू नेवर नो मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरी सुनी है कि यार मैं उस टाइम फ्री था मैंने ये कॉलेज से डिग्री ली थी बट मैं फ्री था तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया एंड आई रैंडमली फेल इन लव विद दैट थिंग सो स्टार्ट डूइंग डिफरेंट थिंग्स जब आप जितनी जगह इंटर्नशिप्स कर सकते हो आप नॉलेज ले सकते हो यूट्यूब वीडियोज देख सकते हो स्किल शेयर पे इतने सारे कोर्सेज के ऑप्शन हैं जितनी नॉलेज ले सकते हो और अपने आप को जितना केपेबल बना सकते हो ना बनाओ एंड जस्ट गो आउट इन द वर्ल्ड एंड इवन इफ अगर आपको थोड़े टाइम के लिए कुछ ऐसा फ्री भी करना पड़े ना आपको लगे यार एक दो मंथ्स के लिए कि मुझे करना पड़ रहा है जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम नॉट सेइंग गो एक्सप्लॉयट योरसेल्फ सेल्फ एंड आप किसी के लिए थ्रू आउट आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है आप किसी के लिए थ्रू आउट फ्री वर्क करते रहो बट थोड़ा 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 थोड़ आइडिया लेने के लिए आई थिंक इट्स रियली नाइस दिस इज वन थिंग दैट आई थिंक रियली वर्क फॉर मी ऑल्सो इसलिए इज कार्तिका दी डूइंग गुड गाइस इट्स कृतिका कृतिका I'm I'm okay, but I'm very, 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 very grateful. grateful Like so grateful for the the good and the bad. And bad. I think अगर आपकी बुरा नहीं होता, तो आप अच्छे की भी वैल्यू नहीं करते हो मैं सच में बता रही हूँ सब मेरा कोई डे ऐसे नॉर्मल और बोरिंग भी जा रहा होता है ना आई फील ग्रेटफुल टू गॉड कि थैंक गॉड मतलब इतनी सुनामी आई है ना मेरी लाइफ में कि मैं नॉर्मल बोरिंग डे को भी बहुत अप्रीशियट करती हूँ आई जस्ट फील दैट सब की लाइफ में गुड और बैड लिखा हुआ है एंड अभी भी मुझे ऐसा लगता है फाइव डेज सिक्स डेज अच्छे से स्पेंड कर दो सेवेंथ एट डे पे यू फील और लो एंड बाउंड टू हैपन दैट्स गोन हैजी एक्सेप्ट द फैक्ट कि लाइफ कभी भी स्ट्रेट लीनियर नहीं है हमेशा ऐसे रोलर कोस्टर और करव लेती रहेगी ऊपर नीचे होती रहेगी उतनी जल्दी हमें बुरा लगना कम हो जाता है एंड मैं सच में बता रही हूँ मेरे साथ ऐसे होता है ना जैसे बहुत कभी मैं किसी दिन लो हूँ आई एम क्राइंग और मुझे जैसे लगता है वॉट्सिंग मेरे साथ दिस है योर सेल्फ आई ऑलवेज रिमेंबर बोलते बोलते भूल गई

एंड जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव इन लाइफ और वो और बढ़ता रहेगा जैसे अगर मेरी लाइफ में पाँच चीज़ें अच्छी हो रही है और दो गंदी हो रही है और मैं दो पे फोकस करूँगी ना वो दो चीज़ें और दो की तीन तीन की चार चार की पाँच होती रहेगी बिकॉज ऑफ माई फोकस एंड अगर मैं ग्रेटिट्यूड फील करूँगी मैं ये नहीं बोल रही कि आप बस रोज़ बोलते रहो माई गॉड एम सो हैप्पी और वो फेक पॉजिटिव वैसा भी नहीं रहना यू नीड टू वर्क विथ योर इशूज़ यू नीड टू हील बट साथ आपको ग्रेटफुल भी होना है येस आई एम इन अ बैड पोजीशन राइट ना बट मैं यहाँ परमानेंट नहीं रहने वाली हूँ रहने वाला हूँ सुनर और लेटर ये पोजिशन चेंज होगी मैं एक बेटर एनवायरमेंट में होंगे या होंगी मैं बेटर फील कर रही हूँ एंड वो होप रहना फ्यूचर के लिए टाइम चेंज होते हुए आई पता भी नहीं लगता वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर्स डाउन द लाइन आप एक डिफरेंट फेज में होकर आप इतना थैंक करोगे अपने आप को कि यार थैंक गॉड आई डेंट गिव अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम या सबके लिए अच्छा बुरा आई थिंक लिखा हुआ है आई ऑलवेज मेक श्योर कि नाइनटी परसेंट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू जस्ट बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एंड थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स एट आई हैव इन माई लाइफ जब वो दस परसेंट वाला फेज आता है देन आई गो फुल आउट फुल एक्सट्रीम लाइक फुल क्राइंग मस्कारा ड्रिपिंग नेटफ्लिक्स एंड ईटिंग फूड एंड नॉट डूइंग एनी थिंग फॉर लाइक टू थ्री डेज आई थिंक बैलेंस बना रहता है एंड माई थेरेपिस्ट टोल्ड वन थिंग आई थिंक इल हेल्प यू गाइज इज ऑल्सो मैं ना बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट वाली मेंटालिटी से आती हूँ एंड मेरे को हमेशा ऐसे लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए ओ सिक्स डेज मैंने वर्कआउट कर लिया तो सेवन डे अगर मैंने नहीं करा दैन ओस आई एम नॉट डूइंग एन ऑफ बट शी टोल्ड मी यू आर अलाउड वन डे इन अ वीक यू आर अलाउड टू डू एनी थिंग इन एवरी थिंग एंड यू आर अलाउड टू फेल मतलब और ऐसा होगा ही अब जब हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया था कि एरर के लिए जगह देते हैं ना तो ऐसे हम अपने साथ क्यों नहीं करते वीक में एक दिन ऐसा हो भी जाए अगर आपको दीक्षा को भी बोल रही थी मैं मिल के आई थी पूरा घर सजा हुआ था उसका एंड आई हक डर एक अलग ना नूर होता है ऐसे बोलते हैं ना कि ब्राइड टू वीके हमेशा ऐसे नूर होता है दीक्षा की इतनी क्लोज

एंड मैंने उस जगह के बारे में इतना कुछ सुना हुआ है इतनी हाई टेक और देर सो मैनी कूल थिंग्स देयर फैशन ब्यूटी फूड सो आई एम रियली लुकिंग फॉर्वर्ड टू दैट प्लेस होप फुली इन अंथ और सो वे गॉन प्लान ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर जर्नी स्टार्ट करने की कोई एज होती है क्वेश्चन मार्क लाइक आई एम ऑलरेडी ट्वेंटी सेवन कैन आई स्टार्ट एट दिस एज यू कैन ऑब्वियसली स्टार्ट राइट नाउ नाउर इज नो परफेक्ट टाइम आई स्वर टू गॉड मैं जिससे भी मिलती हूँ ना हमेशा बोलती हूँ गो फॉर इट स्टार्ट पोस्टिंग यू नेवर एवर नो जब तक आप आके करोगे नहीं वो चीज अगर आप उसको रॉन्ग रीजन के लिए करोगे ना कि यार आप किसी को देख के कर रहे हो या फिर मतलब देख के भी आई थिंक इट्स नॉट अ रॉन्ग रीजन ये तो आप इंस्पायर हो रहे हो आप फेम मनी के लिए कर रहे हो ना तो सोना और लेटर आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा आप सक्सेसफुल तब भी हो सकते हो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा शायद आप उसको लॉन्ग रन में ना करो जब मनी और फेम वाली चीज आपको नहीं मिले क्योंकि मतलब बड़ी पैराडॉक्सिकल चीज है आजकल इट्स सो इजी टू गो वायरल बट समटाइम्स उस वायरल मोमेंट के बाद भी जाके ना आपको वो सस्टेन करना इज़ अज टास्क सो आई वुड सजेस्ट पीपल लव ह्यूमन इंट्रैक्शन एंड नोइंगट यू एक्चुअली लाइक वट यू हेट सो आई थिंक जो आप एक्चुअली हो ना आप वो करो और जो आपको पसंद है आप वो करो मतलब इफ़ यू लाइक बुक्स टॉक अबाउट बुक्स इफ़ यू लाइक कॉफी टॉक अबाउट कॉफ़ी यू नेवर नो आपकी अपनी नीच खुद बन जाएगी और आप ख़ुद अपनी ऑडियंस ऐसी अट्रैक्ट करोगे फिर लाइक फोटोग्राफी इफ यू लाइक फैशन इफ यू लाइक ब्यूटी टेक एनी थिंग जस्ट टॉक अबाउट समथिंग यू लव अगर आप किसी भी चीज को लेके पैशनेटली बात करते हो और प्यार करते हो ना आई थिंक वो पीपल कैच दैट बाई एंड दे एक्चुअली स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एंड सुन और लेटर आपकी अपनी ऑडियंस धीरे 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 बनती रहेगी एंड आपकी एक अपनी नीच बन जाएगी या ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट आई स्वे टू गॉड स्टार्ट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा फेल हो जाओगे थोड़े मैं सोचोगे, मैंने क्यों करा ठीक है कुछ तो करा मैंने स्टार्ट तो करा ओके सर द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम फ्रेंड्स। मुझे हर्टफुल है, होते हैं रिलेशनशिप लेवल और मे बी उससे मोर देन दैट बहुत नेक्स्ट लेवल हर्ट होता है टॉक्सिक पर्सन टू समन बहुत बारी ऐसा ऐसा है है हमें ऐसा लगता है, नहीं है, हम सही है, तो लगता है, हम हम दूसरे बंदे को है अगर आप एक दूसरे के you down, अगर आपकी कोई बिचिंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है और आई थिंक इट्स मच बेटर टू जस्ट बैक ऑफ एंड अपनी एक बाउंड्री मेंटेन करना बिकॉज आपको लाइफ में और बहुत सारे आगे फ्रेंड्स मिलेंगे मे बी आप अभी अगर अकेले भी आपको लगे नहीं यार मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है मुझे होल्ड ऑन करना है उस फ्रेंड को हमेशा ऐसा रिलेशनशिप और ऐसी फ्रेंडशिप कभी भी नहीं चलती वैन यू नो समथिंग इज रॉन्ग बट यू कीप ऑन होल्डिंग टू इट बिकॉज यू फील नो अब मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो और कर दो सो सुना और लेटर वो आपके डी एम एन साहब आके फेस करते सो आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज़ मै नहीं कह रही अब छोटी सी लड़ाई हुई आप जाके बोल दो भाई बाय बाय <laughs> ऐसे नहीं होता बट इफ यू नोटिस द पैटर्न और वो रिपीटेडली चल रहा है सिक्स मंथ्स ईयर टू ईयर से चल रहा है एंड यू नो आपकी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है तो आपको वो एक स्टेप बैक लेना ही पड़ेगा अगेन आई एम ब्रिंगिंग इन माई थेरेपिस्ट अगेन आई वॉज टॉकिंग टू हर लास्ट वीक एंड जी टोल्ड मी कृतिका आई फाउंड सो मेनी फ्रेंड्स राइट नाउ शी इज अम ऑफ टू एंड वो, वो यही बोलती कि जितना मैं अपने कॉलेज और स्कूल फ्रेंड से कनेक्ट नहीं करती ना उतना मैं अब शायद उनसे करती हूँ बिकॉज मैं उसी फेज में हूँ एंड आई गेट मोर लव फ्रॉम देम सो आई थिंक दैट्स अ रियली नाइस थिंग टू लुक फॉवर्ड टू व उनको बोल रही थी कि अच्छा ऐसा होता देट यू कैन मेक फ्रेंड्स वैन यू ग्रो आउ दस लाइक या यू डेफिनेटली विल मेक मोर फ्रेंड्स न्यू फ्रेंड्स आपकी लाइफ की फेज़ में सो या जस्ट गेट आउट ऑफ द टॉक्सिक फ्रेंडशिप एंड क्या पता आप भी उनके लिए टॉक्सिक हो एंड या आई होप यू गाइज इन्जॉय द पॉडकास्ट आई होप अपने दीक्षा को ज्यादा मिस नहीं करा नेक्स्ट पॉडकास्ट में शील भी हो रेक्ट नेक्स्ट पॉडकास्ट में गाइस हम आएंगे वेडिंग अटेंड करके बट गाइज आई गोइंग टू गोवा फॉर अवार्ड एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड आई नॉमिनेटेड इन फैशन एंड ब्यूटी कैटेगरी गोवा में अवॉर्ड है पिंकिला के क्रिएटर्स यूनाइटेड एंड आई एम रियली फॉर्व टू इट आई हैव माई आउटफुट एन एवरीथिंग एंड मंडे को रिजल्ट आदि